हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का पासिंग मार्क्स जानेंगे, जो कि आपका बिहार बोर्ड जो है उसमें जो है कितना पासिंग मार्क्स होता है, इसको जो है हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि आखिर जो है हमारा थ्योरी जो है वह कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है उससे क्वेश्चंस, एंड उसमें जो है ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों को जो है इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग समझेंगे और कंप्लीट जो है पासिंग मार्क्स क्या है बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का, इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ बायोलॉजी के साथ साथ ही जो स्टूडेंट इनमें केमिस्ट्री रहता है एंड हमारा जो है फिजिक्स रहता है, इसमें जो है सेम यही पैटर्न रहता है। तो आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे कि जो हमारा केमिस्ट्री है और फिजिक्स है इसका भी जो है ऐसे ही जो है पासिंग मार्क्स जो है होता है, तो आप लोग इसको जो है विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का जो थ्योरी होता है वह कितने मार्क्स का होता है, या केमिस्ट्री ये कहिए या फिजिक्स कहिए। तो इसमें जो है 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी 35 मार्क्स का, टोटल हो गया 70 मार्क्स, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 35 मार्क्स का होता है उसमें से जो है आपको 10.5 मार्क्स जो है लाना है, मीन्स 11 नंबर जो है आपको 35 नंबर में से लाना है ऑब्जेक्टिव वाली में से। एंड सब्जेक्टिव वाली जो 35 मार्क्स है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी रहता है लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है उसमें से आपको 10.5 मार्क्स लाना है, मीन्स कहिए कि 11 नंबर जो है उसमें आपको लाना है। तो यह जो है केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों पर जो है लागू होता है। एंड आगे हम लोग अब चर्चा करें कि थ्योरी में जो है टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जोड़ दे तो कितना जो है थ्योरी में पासिंग मार्क्स होता है। तो हमारा थ्योरी जो है टोटल हो जाएगा हमारा 21 मार्क्स का। और यहाँ पर ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव में भी आपको पास होना है, इसके लिए 10.5 मार्क्स लाना है, और सब्जेक्टिव में भी पास होना है। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्टिव में ज़्यादा मार्क्स ला दिए ऑब्जेक्टिव में कम ला दिए, तो ऐसा नहीं होगा। 10.5 मार्क्स मिनिमम लाना है, इससे अगर कम हो जाता है आपका तो आप जो है यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में जो है फेल हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है आगे हम लोग प्रैक्टिकल को देखें तो प्रैक्टिकल जो है यह हमारा 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो है आपको प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आपका प्रैक्टिकल में 12 मार्क्स नहीं आता है तो भी जो है आप फेल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इस पर भी आपको ध्यान देना है। टोटल जो है 33 मार्क्स लाना है। और एक बात पर ध्यान देंगे, अगर जो है आपका प्रैक्टिकल में 12 से कम मार्क्स आ जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपको टोटल जोड़ करके जो है उससे अधिक मार्क्स आ जाता है और दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 33 आता है, तो भी जो है आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में फेल तो सभी में जो है आप फेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ पर जो है आप लोग विशेष ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल में पास होना है कम से कम 12 नंबर तो जरूर लाना है, और ऑब्जेक्टिव में भी पास होना है, सब्जेक्टिव में भी पास होना है, थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं। तो टोटल थ्योरी में जो है 21 मार्क्स लाना है, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। और वह जो प्रैक्टिकल है उसमें भी जो है आपको 30 में से 12 मार्क्स लाना है, दोनों को ऐड करके जो है 33 मार्क्स होना चाहिए। सेशन के लिए वह है 33, आपको जो है टोटल 100 मार्क्स में से जो है आपको 33 मार्क्स लाना है, तभी जो है आप पास होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि आपको जो है इस चैनल पर क्या क्या चीज़ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको जो है इस चैनल पर सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले भी आपका जो है एक वीडियो आया है जिसमें जो है हम लोग क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को देखे हैं और उसके मार्किंग पैटर्न को देखे हैं कि किस चैप्टर से जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप लोग देखिए कि आपके जो है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन बाय राजन सिंह पर जो है आपको क्या क्या चीज़ जो है मिलने वाला है। तो सब चीज़ बिल्कुल जो है आपको फ्री में मिलेगा। इसका कहने का अर्थ है कि कुछ चैनल्स जो होते हैं आपसे जो है कुछ रुपया लेकर के वो तो वीडियो डालते हैं, उस पर आप व्यूज भी देते हैं एंड उस पर वॉच भी करते हैं आप वीडियोज़ को, लेकिन अलग से जो है वो अपना कुछ रुपया लेकर के पेट लेकर के जो है आपका वह प्रिपरेशन कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस चैनल पर जो है बिल्कुल आपको सब चीज़ जो है फ्री में मिलेगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो जो आते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है एवं अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर करना है इस चैनल को और वीडियो को, एंड कमेंट जरूर करना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले जो है इस चैनल पर आपको क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज मिल जाएगा,
नेक्स्ट जो है आपको VBI जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा या उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे सभी जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सभी जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और चैप्टर वाइज वीडियो जो है NCERT बायोलॉजी का बुक है वह भी जो है आपको जो है इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग वीडियोज़ को इस चैनल पर जो है देखिए और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करिए क्लास 12th बायोलॉजी 2022 के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में होने वाला है। तो यहाँ पर जो है बहुत अधिक जो है वीडियोज अपलोडेड है इस चैनल पर। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा और दूसरा प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का। ये दोनों प्लेलिस्ट आप ही के लिए बनाया गया है और ये आप ही का चैनल है। तो दोनों प्लेलिस्ट को आप लोग चेक करिए और वहाँ से वीडियोज को देखिए और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करिए। और आपको अदर्स अगर किसी क्लास 12th बायोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स पर वीडियोज चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, और किसी प्रकार का अगर आपको क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।